हिमाचल में बारिश से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश भर में बारिश ने जमकर कहर बरपाया, तो वहीं बारिश से हुए नुकसान को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद सुरेश कश्यप पहले नालागढ़ के दौरे पर पहुंचे, यहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। तो वहीं नालागढ़ के बाद सांसद सुरेश कश्यप पौंटा साहिब दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों तक आपदा राहत सामग्री पहुंचाई। इस कड़ी में सिरमौर जिला में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सांसद सुरेश कश्यप के प्रयासों से 12 टन आपदा राहत सामग्री पहुंचाई गई। आपदा राहत सामग्री से भरा ट्रक पौंटा साहिब पहुंचा, जहां सांसद सुरेश कश्यप ने ये राहत सामग्री स्थानीय बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी को सौंपकर इसे प्रभावितों तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आपदा के बीच केंद्र लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है और इसी कड़ी में राहत सामग्री प्रभावित लोगों के लिए पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर ये सामग्री उन इलाकों में भेजी जाएगी जहां लोगों की फसलें तबाह हुई हैं या फिर अन्य ऐसे लोग जो बेघर होने के बाद दूसरी जगह पर शरण ले रहे हैं। जब से आपदा आई है, केंद्र निरंतर पूरी स्थिति का आकलन करते हुए और हर संभव सहायता प्रदेश को दे रहा है। अभी तक 622 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, जिसमें 7 जुलाई को 180 करोड़ रुपया, 10 जुलाई को 180 करोड़ रुपया और 7 अगस्त को 189 करोड़ रुपये की राशि दी गई। और पिछले कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए थे और 200 करोड़ रुपये की राशि की उन्होंने घोषणा की और आज ये प्रदेश सरकार के खाते में पैसा आ गया है। इसके अलावा 400 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे CRF कहते हैं तो उन्होंने देने की बात कही है। और यही नहीं है, केंद्र पूरी ओर से हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहा है, वो चाहे NDRF की टीम भेजने की बात हो, SDRF की बात हो या वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजने की बात हो। और इसके अलावा प्रदेश की ओर से जब जब भी आग्रह किया गया, जो भी आग्रह किया गया है, केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता की है। वहीं पौंटा साहिब के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने सांसद सुरेश कश्यप का आभार जताया और कहा कि जल्द ही इस राहत सामग्री को प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने को कहा। हाँ, ये आदरणीय सांसद सुरेश कश्यप जी ने जो बाढ़ से प्रभावित परिवार है उनके लिए भेजी है और हम जल्दी इस सामग्री का आवंटन लोगों के बीच में जाकर करेंगे। जिला सिरमौर में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर पूछ कर जो है सामग्री को भेजा जाएगा। और भी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम आग्रह करके, निवेदन करके, सरकार से जो है, प्रशासन से, हम लगातार प्रशासन के भी टच में हैं, उनसे भी बातचीत करके लोगों की जो समस्या उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश भर में बारिश से भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं सिरमौर जिले में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। नालागढ़ से जगत पैंस, नाहन से सतीश शर्मा, सूर्या समाचार।